बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम CBSE इंटर कॉलेज सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट CBSE स्कूल CCTV सिक्योर कैंपस GPS एनेबल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम गोल्फ कोचिंग स्टेम प्रैक्टिस स्कोरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स एंड मेनी मोर एडमिशन ओपन। श्री संकटा देवी मंदिर महमूदाबाद में चल रहे वार्षिक मेले में पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा पहुंचे। संकटा देवी मंदिर के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना की। उन्होंने महामाई संकटा देवी के दरबार में आरती की और शिव की प्रतिमा को प्रणाम किया। संकटा मंदिर मंच पर मुख्य अतिथि का स्वागत मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष रमेश वाजपेयी, कृतार्थ मिश्र, डॉक्टर मणि मिश्रा आदि ने माल्यार्पण किया। विशिष्ट अतिथि कुर्सी विधायक साकेन्द्र प्रताप वर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि आज यूपी में रामराज्य आ चुका है, मंदिरों का विकास हो रहा है, अयोध्या में रामलला का मंदिर बन रहा है और साथ ही काशी का सौंदर्यीकरण भी हुआ है। आज दंगा करने वाले खौफ खाते हैं कि यूपी में बुलडोजर चलेगा। उन्होंने शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और कांग्रेस पर भी हमला किया। मां संकटा देवी मंदिर प्रबंध समिति महमूदाबाद द्वारा आयोजित वार्षिक मेला टैलेंट शो एवं प्रतिभा सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने काशी, मथुरा, नैमिषारण्य, बनारस आदि धार्मिक स्थलों पर कराए जा रहे सर्वांगीण विकास। शिवपाल सिंह के इस बयान की बीजेपी का अंत करके ही रामराज की स्थापना हो सकती है, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या तैयारियां हैं जैसे अन्य सवालों पर आ इंडिया से क्या बोले, आप भी सुने। मैं समझता हूँ राजनीतिक अंत के संभावनाओं से अवसाद ग्रसित है और जो अपने परिवार का अंत करना चाहते थे वो भाजपा का अंत क्या करेंगे जो लोग, और भाजपा इस जनता की आवाज है और जनता की आवाज को 2014 से लगातार जनता अपना समर्थन दे रही है। और मैं समझता हूँ जो विपक्ष की सनातन संस्कृति को विभाजित करने का जो षड्यंत्र था वो अब उनको फेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए पहले बोल जाने की बात, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आज विपक्ष अपने अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई लड़ रहा है। हाँ, मैं समझता हूँ कि लोकतांत्रिक परंपराओं का जितना पालन इस सरकार ने हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। इस देश ने इमरजेंसी भी देखी है और इस देश ने कारसेवकों को गोली भी देखी है। इस देश ने निरीह राम भक्तों को पूरे भारत के सबसे बड़े रिकॉर्ड गिरफ्तारी का और ऊपर लाठीचार्ज का बनते हुए भी देखा है। इसलिए ये लोग लोकतंत्र का पाठ ना सिखाए। बीजेपी की सरकार में लोकतंत्र भी सुरक्षित है और जनतंत्र भी सुरक्षित है। सर, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या तैयारियां हैं? आप मेयर भी रहे हैं और 17 नगर निकाय निगमों में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आरक्षण का अच्छा पालन कराया है उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ने उस पर अपनी मोहर लगाई है। यहाँ लड़े। और श्री राज्यपाल महोदया ने भी उसे अपनी स्वीकृति प्राप्त कर दी। आरक्षण से किसी भी प्रकार का कोई खेल ना हो और उसके साथ कोई अन्याय ना हो सके, ये इसके लिए कटिबद्ध है सरकार और सरकार उसके लिए। सर, आखिरी सवाल यह है, जातीय जनगणना को लेकर अखिलेश बराबर हमलावर है। सर, जातीय जनगणना को लेकर अखिलेश यादव बराबर सरकार को घेर रहे हैं। देखिए, जो जाति का विभाजन करना चाहता है वो इस प्रकार की बातों को बार बार उठाता है जिससे सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म विभाजित हो सके। मैं समझता हूँ पूरे परिसर को अच्छे करने का, नैमिषारण्य के तीर्थ स्थल का, विंध्याचल के तीर्थ स्थल का, अयोध्या और उसके साथ काशी और मथुरा सभी तीर्थ स्थलों का जो जीर्णोद्धार किया उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है भूतपूर्व। आई इंडिया के लिए महमूदाबाद से आयुष जैन की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।